भाई इस सवालों को आप थोड़ा सा देख ले, इसमें सोती सर की एक जरा सी बात देख ले, क्योंकि इसमें जो है मेलस ला लगता है, मेलस ला ऑफ इंटेंसिटी। तो मेलस ला को आप लगाना सीख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, जो कि कुछ नहीं होता है। जो भी इंटेंसिटी बाहर निकलेगी पोलाइडर से, वो I0 कॉस स्क्वायर थीटा होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है, यही जो तीसरा फार्मूला आपको बता रही है, I0 कॉस स्क्वायर थीटा, बस इसी सारे काम बन जाएंगे आपके। क्या कह रहे हैं, ये प्लेन अनपोलराइज लाइट I0 पास थ्रू द पोलाइडर, ये पोलाइडर ए बना लीजिए आप, ठीक है। यहां से क्या हुआ, I0 आपके पास आ रही थी, अनपोलराइज थी बेटा। जब पोलाइट से हो जाएगी तो पोलाइट होगा, तो ये याद रखना कि एक बार पोलाइडर से पास हो गई तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है, वी फुल टाइम कोर्स में बताएंगे। एंड देन एनदर बी वाला है, इसके बाद ये पोलाइडर ए है और एक आपके पास बी है, ये बी है जो कि एंगल पे है, एक से बी का एंगल 45 डिग्री का हो गया, एम राइट। क्या लगे, इंटेंसिटी बताओ। तो आपने कहा सोती सर की जय हो, सोती सर ने बताया है कि जब आई से पास होगा एक कोलाइडर से तो I0/2 हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इनके और इनके बीच में 45 डिग्री का है। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1√2 होता है, उसका स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यानी I0/4, यदि थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बन गया 2015 में। तो बस इस फार्मूले को आपको यूज करना आता चाहिए ठीक तरीके से, आपका काम बन जाएगा। ये हमने नहीं दिया था, मेलस साहब ने दिया था। इतना क्या ध्यान क्या रखना है कि जब एक बार कोलाइडर से लाइट पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, बस ये याद रखना है, यही कंसेप्ट है बहुत बड़ा।